लखनऊ में अमित शाह की रैली में सीएम योगी और अमित शाह के इस वक्त होश उड़ गए जब रैली स्थल पर बेरोजगारों ने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे बेरोजगारों ने। हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा कि अभी जो अमित शाह जी की और योगी जी की रैली हुई थी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, जो हमारे जो स्टूडेंट से शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर, यूपी टेट को लेकर, चाहे यूपी पुलिस दरोगा भर्ती, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर, उन्होंने जो है योगी जी को काले झंडे दिखाए और काफ़ी झगड़ा हुआ है उनका पुलिस वालों से कि हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार दो, ठीक है। बट यूपी योगी जी की सरकार सुन नहीं थी। बट अब होगा इससे क्या कि अभी क्या हुआ है, आपका जो यूपीएसआई दरोगा का जो पुलिस भर्ती का एग्जाम था, उसको आपको मालूम है कि उसमें बहुत ही बड़ी जो है धांधली निकल कर आई सामने जब उसकी आंसर की आई थी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, भर्ती परीक्षा होगी रद्द, ठीक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, आपको मालूम है कि हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है इलाहाबाद में, अब क्या हुआ तो जाने आगे की प्रोसेस में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो पर पूरा देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर अपडेट पाने के लिए। तो दोस्तों अभी इसका री एग्जाम होगा या कैंसिल हुआ, ये स्टूडेंट्स के मन में जो है आशंका है। तो पहले बता दूं मैं, अगर इसका री एग्जाम होता भी है तो वो चुनाव से पहले हुआ, यानी कि एक मंथ या डेढ़ मंथ के अंदर आपका जो है री एग्जाम करा लिया जाएगा, क्योंकि जब वो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मैं अभी पूरा वीडियो आपको दिखा देता हूं चला के। सबसे पहले आप वीडियो देख लीजिए, मैं चला देता हूं और आगे तक। देखिए दोस्तों आपको जैसा दिख रहा होगा कि मतलब कितनी ज़्यादा, मतलब ये देखिए आप यहाँ पर देखिए, बिल्कुल मतलब काले झंडे दिखा रहे हैं और रोजगार के ऊपर भी बोलने की मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें चल रहा है, पूरे की बिल्कुल मतलब बहुत खतरनाक प्रोटेस्ट हुआ था। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो क्लिप में, मतलब किस तरीके का भयानक जो है प्रोटेस्ट किया गया था स्टूडेंट्स के द्वारा। तो उससे ये निष्कर्ष निकला कि अगर भर्ती हाईकोर्ट में पहुंच गई तब भी योगी जी जो है इस भर्ती को जल्दी से जल्दी वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है आपका 2022 में चुनाव है, जल्दी जल्दी मार्च अप्रैल में चुनाव हो जाएंगे, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारा वोट बैंक छिने स्टूडेंट से। तो इससे पहले क्या हो सकता है, अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो इसके एग्जाम जो है जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये जो है इसकी जो फाइनल आंसर की आनी है, फाइनल आंसर की कब तक आएगी, क्योंकि इसकी आपत्ति भी दर्ज की जा चुकी है। तो फाइनल आंसर की जो है आपको विद इन एक हफ्ते के अंदर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब बहुत स्टूडेंट सर दौड़ करें या नहीं करें, तो दौड़ के लिए ऐसा है, देखिए दोस्तों अगर आपके नंबर जो कट ऑफ बताया गया है और उसके आसपास आ रहे हैं आपके जो नंबर हैं या उससे थोड़े ऊपर नीचे 5-10 नंबर, तो बिल्कुल आप रनिंग की तैयारी करें। मान के चलिए अगर इसमें नहीं हुआ तो ESI का आपने एग्जाम दिया हुआ उसमें हो सकता है, या फिर अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकलने वाली है लगभग 30,000 पदों पर, तो उसमें आपको ये बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों भले ही मामला जो है हाईकोर्ट में पहुंचा है, फिर भी यूपी योगी जी जो है इसको पूरी तरह से जो है निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव है बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों यही थी न्यूज़, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर अब पल पल की अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।